हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बोरीवली स्थित दौलतनगर आधार हॉल में भाजपा रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह ने शाम 4 बजे रानीवाड़ा क्षेत्र प्रवासी बंदियों से मुलाकात की और सब प्रवासियों को पीले चावल देकर 7 दिसंबर को अमूल्य समय निकालकर बूथ लेवल पर युवा प्रवासी कार्यकर्ता आए। विधायक ने अपनी किताब का विमोचन किया जिससे योजनाओं की जानकारी मिलेगी, सरकार के कार्य का लेखा जोखा मिलेगा। सबको जनहित की योजनाओं को समझने के लिए किताब का विमोचन किया गया है और विधायक देवल ने प्रवासियों से आह्वान किया कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को बूथ लेवल से केंद्र सरकार तक युवा प्रवासी बंधु मजबूत करें, तब जाकर देश का विकास होगा। सबका साथ सबका विकास नारा सिद्ध होगा। देश के प्रधानमंत्री को 2019 चुनाव के लिए राजस्थान विधानसभा में भाजपा को भारी बहुमत से जिताने का संकल्प लेना होगा। केंद्र सरकार को मजबूत करे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों भाजपा की होगी, तब तेज गति से विकास संभव है और कई अधूरे कार्य तेज गति से पूरे करने का भरोसा दिलाया। देवल ने किसानों के लिए समर्थन मूल्य खरीद केंद्र की बात की, रानीवाड़ा में कॉलेज की भी बात रखी। देवल ने कहा कई काम अधूरे, उसे पूरा करने के लिए मैं प्रवासी बंधुओं से मुलाकात करने आया हूँ। एक बार और सेवा करने का मौका दे ताकि आम जन के हितार्थ योजनाओं को पूरा किया जा सके, बिजली, सड़क, पानी, अस्पताल और शिक्षा के कार्य पूरे किए जा सके। मीटिंग में आयोजक राजपूत परिषद अध्यक्ष रतन सिंह तुरा राठौड़, देवीलाल पुरोहित, राजू भाई सामरानी, जबर सिंह राजपुरोहित जेतपुरा, प्रमोद जी जसवंतपुरा, कालू भाई डुंगरी, भवरलाल रानीवाड़ा खुर्द, दलाराम चौधरी जालपुरा, मफत सिंह आजोदर सहित सभी जन मौजूद रहे। मुंबई से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।